हाय, मैं हूँ श्रद्धा और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस। तो हर वीडियो में वैसे तो हम डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, इसमें हम जर्नी की बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं मुंबई से अहमदाबाद के सफर का वंदे भारत ट्रेन में। तो अहमदाबाद आओ चलो। वंदे भारत ट्रेन जब से अनाउंस हुई थी तब से ही इस मेक इन इंडिया सेमी बुलेट ट्रेन के लिए काफी क्यूरियोसिटी थी और आज मौका मिल ही गया वंदे भारत ट्रेन से मुंबई से अहमदाबाद ट्रैवल का। ये ट्रेन मुंबई सेंट्रल से सुबह 6 बजे को निकलती है और गुजरात के कैपिटल गांधीनगर तक जाती है। हमने ये ट्रेन ली बोरीवली स्टेशन से अहमदाबाद तक। ट्रेन बिल्कुल समय पर बोरीवली प्लेटफॉर्म पर आ गई। मेक इन इंडिया सेमी बुलेट ट्रेन ने शान से प्लेटफॉर्म पर एंट्री ली। ट्रेन रुकने के साथ ऑटोमेटिक डोर ओपन होते हैं। हमने चेयर कार की टिकट ली थी जिसकी कीमत लगभग 1300 रुपए के आसपास है, जिसमें फूड इंक्लूड है। तो ये देखिए ट्रेन का इंटीरियर। थ्री प्लस टू की सिटिंग अरेंजमेंट। हमें मिडल सीट मिली थी जो कुछ इस तरह से थी, जहां 4 लोग आमने सामने थे और बीच में टेबल, पर बाकी के सारे सीट कुछ इस तरह के थे। सीट कंफर्टेबल थी, लेग स्पेस भी अच्छी थी, सीट को आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं और खान पान के समय आपको दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ इस तरीके का टेबल भी है और नॉर्मल सीट पे कुछ ऐसा। ट्रेन में आप अपनी सीट पर बैठते ही आपको पानी की बोतल दी जाएगी और साथ में न्यूज़पेपर। और ये बड़ी सी विंडो। ट्रेन जब बोरीवली से निकली तब तो अंधेरा था, पर बाद में हमने सनराइज के बहुत खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय किया। ट्रेन की स्पीड को हमने वक्त वक्त पर चेक भी किया जो कि 130 के आसपास थी। ट्रेन में लगेज के लिए अच्छे से जगह प्लान की गई है। लाइट्स, एसी सब कुछ अच्छे से मेंटेन किया गया है। अब थोड़ी ही देर में आपको चाय और बिस्किट सर्व होगी। हॉट एंड कोल्ड फूड को स्टोर करने के लिए अलग से इस तरीके की जगह दी गई है और हर कोच में कोच अटेंडेंट आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। कोच का जो सीटिंग एरिया है वहां पर कुछ ऐसे डोर है जो बटन दबाने से खुलते हैं। कुछ इमरजेंसी हो तो आप इसकी मदद से लोको पायलट से बात भी कर सकते हैं। चलिए अब आपको मैं वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। वॉशरूम हाइजीनिक था, क्लीन था। वॉश बेसिन, कमोड, टिश्यू, हैंड वॉश, हैंड ड्रायर जैसी सुविधाएं यहाँ पर दी गई थी। अब वापस चलते हैं कोच में। देखिए 2+3 की सीट्स के बीच में प्रॉपर स्पेस भी दी गई है। कोच में ये जो स्क्रीन है वहां पर नेक्स्ट स्टेशन और रूट की जानकारी दी जाती है। इस इंडिकेटर पर स्पीड भी दिखाई जाती है। अब धूप निकल आई है, धूप से बचने के लिए ये ब्लाइंड्स भी दिए गए हैं। और वापिस स्टेशन के बाद ये आ गया आपका ब्रेकफास्ट। अगर आपने वेज चुना होगा तो उसमें था थेपला, सब्जी, खमन, सुमूल का दही, एक मैंगो ड्रिंक और एक चोको पाई। नॉनवेज में थेपला और सब्जी की जगह पर ब्रेड आमलेट था, बाकी का सब कुछ सेम था। टेस्ट वाइज ब्रेकफास्ट को ठीक ठाक बोल सकती हूँ, 10 में से 8 पॉइंट दे सकती हूँ। अच्छा, और एक बात आपको बता दूं, अगर आप एग्जीक्यूटिव चेयर कार लेते हैं तो उसमें आपकी सीट 360 रोटेट हो सकती है और उसमें टेबल आपके सीट के साइड में रहेगा और वहाँ चार्जिंग पॉइंट भी दी जाती है। नाश्ता खत्म होते तक आ गया सूरत। सबका नाश्ता हो जाने के बाद स्वच्छता कर्मचारी ने फिर से कर दी सफाई और बस 130 की स्पीड में वापी सूरत वडोदरा स्टेशन पर रुकते हुए ये ट्रेन पहुंच गई अहमदाबाद परफेक्ट टाइमिंग पर। वाह, मजा आ गया। दिस वॉज अ ग्रेट ट्रैवल एक्सपीरियंस। अब अगर मेरे हिसाब से रेटिंग बता दूं तो स्पीड के लिए 10 में से 10, चमचमाती व्हाइट
बड़ी खिड़की वाली ट्रेन के एक्सटीरियर और इंटीरियर लुक्स और कंफर्ट्स के लिए 10 में से 9, फुट के लिए 10 में से 8 पॉइंट और सर्विस के लिए 10 में से 10। तो ओवरऑल ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग इन वंदे भारत। तो अगर आप भी मुंबई से अहमदाबाद या अहमदाबाद से मुंबई जाने का सोच रहे हैं तो वंदे भारत का एक्सपीरियंस जरूर ले। मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। बाय।